बिहार चुनाव के वोटों की गिनती के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता जश्न की तैयारी करते हुए दिख रहे थे, मिठाइयां बन रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन जो नतीजे आए वो एनडीए के पक्ष में आए, यानी कि महागठबंधन को एक बार फिर से झटका लगा। इसी के बाद अब सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें मिठाइयों को फेंकते हुए दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि जब से चुनाव के नतीजे आए हैं और महागठबंधन की हार हुई है, उसके बाद आरजेडी ने जो मिठाइयों की तैयारियां की थी, जो मिठाइयों को ऑर्डर दिया था, वो अब बेकार हो गया है, इसलिए उन मिठाइयों को आरजेडी के कार्यकर्ता फेंक रहे हैं, किसी गड्ढे में तो कहीं नालों में। बिहार चुनाव में हुई कांटे की टक्कर में एनडीए ने बाजी मार ली। ज्यादातर एग्जिट पोल और शुरुआती रुझानों में आरजेडी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन आखिर में एनडीए ने जीत हासिल की। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि पटना के आरजेडी ऑफिस में जीत की आशा में लाई गई मिठाइयों को नतीजों के बाद फेंका जा रहा है। पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि दो लड़के रसगुल्ले से भरे एक बर्तन को गड्ढे में पलट रहे हैं और दूसरी तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में कुछ चीजें फेंकी जा रही है और आसपास कई लोग खड़े हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि अगर हार हो भी गई और जो ऑर्डर था पहले आ गया, यानी कि मिठाइयों का और बाकी खाने के सामान का, तो उसको क्यों आखिर फेंक दिया गया, उसे क्यों नहीं गरीबों में बांटा गया। खैर, ये लोग तो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें चल रही हैं उसे देखकर कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस तस्वीर की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आरजेडी ने अपनी जो मिठाइयाँ थी, जो खाने पीने के दूसरे सामान थे, जो जश्न के लिए तैयार किए गए थे, उसको इस तरह से फेंका भी है? हमने इन तमाम वायरल दावों की पड़ताल की। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वायरल पोस्ट भ्रामक है। ये तस्वीरें हरियाणा और मध्य प्रदेश की हैं, जहां प्रशासन ने सड़ी हुई मिठाइयों को नष्ट किया था। इनका बिहार चुनाव के नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें एक खबर मिली जिसमें ये तस्वीर मौजूद थी। खबर के मुताबिक 10 नवंबर को हरियाणा के सरसा में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और फूड एंड सेफ्टी विभाग ने करीब 1 क्विंटल खराब मिठाइयों को नष्ट किया था। प्रशासन ने त्यौहार के सीजन को देखते हुए छापा मारा था। इस तरह के कई भ्रामक पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पर शेयर है। पोस्ट को सच मानकर सोशल मीडिया यूजर्स आरजेडी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरजेडी और बिहार चुनाव से जो तस्वीरों को जोड़ा जा रहा था वो बिल्कुल गलत है। बिहार में आरजेडी की हार हुई है, लेकिन तस्वीरों में जो दिखाया जा रहा है कि रसगुल्ले फेंके जा रहे हैं और जो खाने पीने की दूसरी चीज़ें हैं उसे भी यूं ही नष्ट किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो दरअसल हरियाणा और मध्य प्रदेश की है। वहाँ पर छापा इसलिए मारा गया था ताकि त्योहारी सीजन में बीमारी जो है वो घर तक ना पहुँचे, और इसीलिए जो खराब मिठाइयाँ थी उन्हें नष्ट किया गया था।